लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लॉकडाउन के बीच मोटर गैरेज और वर्कशॉप बंद हैं। ऐसे में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के खराब होने पर उनकी रिपेयरिंग की बड़ी मुसीबत पैदा हो रही है। मनपा की पाबंदियों के कारण मैकेनिक गैरेज खोलने और काम करने को तैयार नहीं है। दरअसल लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन तो चल रहे हैं, फिर उनके लिए मोटर गैरेज या वर्कशॉप भी चलने चाहिए। फिलहाल इन पाबंदियों से वर्कशॉप और गैरेज में काम करने वाले कामगारों के लिए रोजी रोटी की भी मुश्किल पैदा हो गई है। ऐसे में मैकेनिक और वाहन चालक दोनों रेस्टिंग दुकानों की तरह दिन में 4 घंटों के लिए गैरेज खोलने की परमिशन मांग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट चल रही है, क्या गैरेज को चालू नहीं रखना चाहिए? स्टाफ लोगों का पगार देने बहुत तकलीफ हो रहा है लॉकडाउन के कारण। कस्टमर फोन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई अभी तो नहीं हो पाएगा, आप जितना हो सकता है आप खड़ा रखो, जब खुलेगा तब करेंगे, सामान भी नहीं मिल पा रहा है। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन हर दिन नई मुसीबत बन रहा है। नई मुश्किल मोटर गैरेज और वर्कशॉप को लेकर है जो महानगर पालिका की पाबंदियों के कारण पूरी तरह से बंद हैं। यही कारण है कि अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के खराब होने पर भी कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है जो गाड़ी की रिपेयरिंग कर सके। कार या टेम्पो चालकों की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन इनमें बाइक सवारों की मुश्किल और बड़ी है, जिसे बंद पड़ने पर ढकेल कर लाना मजबूरी है। बीजेपी के महामंत्री विजय घाटे ने कहा कि यह लॉकडाउन की घटिया एसओपी का नतीजा है। उन्होंने मनपा के मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अधिकारियों को लगता है कि जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं वे लॉकडाउन के डर से कभी खराब नहीं होंगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर गैरेज खोलने पर पाबंदी क्यों है? सरकार के लॉकडाउन के विषय में जो भी नियम है वो सारे के सारे जिसको कहते हैं तुगलकी निर्णय है, उस हिसाब से अब देखिए सवेरे 7 से 11 इसेंशियल सर्विसेज के लिए उन्होंने चालू रखा। नॉन इसेंशियल सर्विसेज वो भी जरूरी है, कपड़े की दुकान जरूरी है, स्टेशनरी जरूरी है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, हार्डवेयर है आपका जरूरी, इसके लिए कोई भी नहीं। आज अगर रोड के ऊपर व्हीकल चल रही है तो वो व्हीकल की मरम्मत हो, सर्विसिंग हो, स्टार्ट नहीं हो रहा है, बैटरी डाउन है, तो उसके लिए कहाँ कौन चला जाएगा? ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिसके अंदर से छोटे छोटे लोगों को अपनी रोजी रोटी मिल सकती है, उसके बारे में ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, ना उसके बारे में कुछ काम चल रहा है। सिर्फ 100 करोड़ का टारगेट, वाजे प्रकरण, पालघर, इसके सिवा और कहीं कुछ नहीं काम चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब गैरेज बंद होने का खामियाजा भुगत रहे इन लोगों की सुन लीजिए। ये दोनों लोग अपनी बंद गाड़ी को यहाँ गैरेज तक ढकेल कर लाए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी मैकेनिक काम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में वे अति आवश्यक सेवाएं कैसे दे पाएंगे। वाहन चालकों ने मनपा प्रशासन से इस पर समाधान निकालने की अपील की। अब गैरेज ओनर अनिकेत मात्रे की सुन लीजिए। अनिकेत ने बताया कि उन्हें हर दिन अति आवश्यक सेवा से जुड़े पुलिस, मनपा कर्मचारी और दूसरे लोगों के फोन आते हैं, लेकिन वे उनकी गाड़ी नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि जैसे ही गैरेज खोलेंगे मनपा 10,000 की पेनल्टी लगा देगी। गैरेज चालकों की माने तो लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी सब कुछ ठप हो गई है, न खर्च निकल रहा है न दुकान का भाड़ा। फिलहाल वाहन चालक और गैरेज ओनर रेस्टिंग दुकानों की तरह वर्कशॉप के लिए भी 4 घंटे की छूट देने की मांग कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अभी मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं ज्येष्ठ नागरिक हूँ, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलता नहीं है और धूप में इतना तकलीफ होता है कि पूछो नहीं। कोई भी दवाई लेने जाना है, कुछ भी जाना है, तो बहुत अड़चन हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैकेनिक लोग को टाइम दीजिए ताकि लोगों की सुविधा, ये जो असुविधा हो रही है, जल्दी से दूर हो। और महानगर पालिका से भी विनती की जाती है कि कुछ टाइम इनको दिया जाए मैकेनिक लोगों को, कि ज्येष्ठ नागरिक को गाड़ी बंद पड़ जाए, धूप में गर्मी में बहुत ही तकलीफ हो रही है। मेरा गाड़ी ख़राब हुआ है, गाड़ी कोई रिपेयर नहीं कर रहा है, मैं अत्यावश्यक सेवा में काम कर रहा है, तो क्या करे? कोई तो मैकेनिक आके काम करना चाहिए, लेकिन ये बंद है, उसके वजह से कोई नहीं काम कर रहे हैं।
क्या करना चाहिए? अभी ये लोग महानगर पालिका का जो भी है रूल मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो उन लोगों का भी रोजी रोटी है, वो भी चलना चाहिए। और मेरा गाड़ी खराब हो गया, कोई नहीं, अभी टाइम खत्म हो गया, मेरा गाड़ी का मैं धक्का मार के यहाँ तक लेके आया, अभी वो लोग भी नहीं कर रहे, कौन करेगा? खाली उनको थोड़ा तो छूट देना चाहिए कि कम से कम काम कर दो, बस उतना ही मेरा गुजारिश है। बहुत टाइम से सर जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण मेरा रेंट का तकलीफ है, स्टाफ लोगों का पगार देना है, तो बहुत तकलीफ हो रहा है सर जी लॉकडाउन के कारण। और लॉकडाउन जो अत्यावश्यक सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं, डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस वाले है, इतर अत्यावश्यक सेवा वाले जो कर्मचारी है, उनका अगर गाड़ी खराब होता है तो हम लोगों को फ़ोन करते, फिर भी हम उनका काम नहीं कर पाते, तो थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने सोच के हम लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए दुकान खोलने के लिए। कस्टमर जो लोग आ रहे हैं हमको बुलाते, फिर भी हम उनको रिटर्न करें, उनका काम नहीं कर पा रहे हम लोग। बाकी का जो ट्रांसपोर्ट सब चालू है, तो थोड़ा गैरेज का भी थोड़ा बहुत सोच के हम लोगों को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।